सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा श्री रामचरित मानस पर की गई टिप्पणी के बाद अयोध्या के व्यापारियों में खासा आक्रोश है। अयोध्या व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज गुप्ता के नेतृत्व में अयोध्या कोतवाली में उत्तर प्रदेश के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ तहरीर देकर FIR दर्ज कर गिरफ्तार किए जाने की मांग की गई। व्यापारी नेताओं ने कहा कि श्री रामचरित मानस हिंदू ग्रंथ के खिलाफ विवादित बयान देकर हिंदुओं की आस्था पर प्रहार किया गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान से अयोध्या में काफ़ी रोष है। अयोध्या का सर्व समाज व व्यापारी समाज इस विवादित बयान की निंदा करता है। हमारे पवित्र ग्रंथ में धार्मिक भावनाओं को हिंदू समाज को आहत करने तथा ऊंची मानसिकता रखने वाले नेताओं पर कठोर से कठोर कदम उठाए जाने की मांग की गई है। प्रतिनिधि मंडल में व्यापारी राधेश्याम गुप्ता, अचल गुप्ता, अश्वनी गुप्ता, आनंद कसौदन, विनोद पाठक, ब्रजकिशोर गुप्ता, विपिन राय, जगन्नाथ यादव, प्रेम सागर मिश्रा, विनोद पाठक, विनोद श्रीवास्तव, कृष्ण मोहन आदि व्यापारी मौजूद रहे। आज आप कोतवाली में व्यापारियों के साथ में उत्तर प्रदेश के MLC स्वामी प्रसाद मौर्य ने 20/1/2023 को जो हिंदू को आहत करने वाला रामचरितमानस पर जो बयान दिया है, विवादित बयान, कि रामचरितमानस पाखंड है, ये इसे अयोध्या के वासी, अयोध्या के नागरिक समाज, अयोध्या के व्यापारी समाज काफ़ी आहत है। इससे बार बार ये हमारे धार्मिक ग्रंथ को बार बार घसीटा जा रहा है, ये बहुत गलत है। हम लोगों ने आज NCR दर्ज करने की मांग कोतवाली अयोध्या में दी है। हम लोगों ने मांग किया है इनके खिलाफ FIR दर्ज करके इनको गिरफ्तार किया जाए। हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो अगला रणनीति हम लोग आपस में बैठ के हमारा अयोध्या के व्यापारी समाज के साथ साथ अयोध्या के संत समाज, यहाँ के समस्त नागरिक यहाँ अगली रणनीति बनाएंगे। पंकज गुप्ता, अध्यक्ष व्यापार मंडल अयोध्या।